बात करेंगे राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी खबर की। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि अब राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में अब जो भी उम्मीदवार हैं वो नामांकन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आज से ही इसकी शुरुआत की गई है, 27 अगस्त को वापस लेने की तारीख है। अगर चुनाव की नौबत आई तो 3 सितंबर को चुनाव होगा। संख्या बल के लिहाज से एनडीए के दोनों उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। दूसरे उम्मीदवार पर संशय बना हुआ है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। सभा की 2 सीटें खाली हुई हैं, पाटलिपुत्र से सांसद बनने के बाद, मीसा भारती के सांसद बनने के बाद उनकी सीट खाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ नवादा से विवेक ठाकुर सांसद चुने गए हैं, उनकी सीट भी खाली हुई है। जाहिर सी बात है इस दोनों सीट पर उम्मीदवार एनडीए को देना है और एक उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तय हो चुके हैं। दूसरे नाम पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बहरहाल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 27 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि घोषित की गई है। और अगर जरूरत पड़ा तो 3 सितंबर को चुनाव होगा और 3 सितंबर को ही चुनाव के बाद देर शाम परिणाम घोषित किया जा सकता है। अभी जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो शाहनवाज हुसैन और आरके सिंह के नाम की चर्चा है कि शायद बीजेपी इन दोनों में से किसी को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। कुछ और भी नामों की चर्चा है, लेकिन ये नाम अभी रेस में आगे चल रहे हैं। बहरहाल बीजेपी को तय करना है कि वो अपने उम्मीदवार किसे तय करती है। बहरहाल जो संख्या बल की स्थिति है एनडीए के लिए दोनों सीट पर जीत हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। बहरहाल वहीं महागठबंधन की तरफ से अभी कोई सुगुगाहट नहीं है, लेकिन जो संख्या बल की स्थिति है उसके हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार की जीत आसान हो सकती है। लेकिन तस्वीर इस बात पर साफ होनी है कि बीजेपी अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम पर कब तक घोषणा करती है, तस्वीर कब तक साफ करती है। लेकिन एक खबर मिली है कि उपेंद्र कुशवाहा 20 तारीख को नामांकन कर सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।